केके न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं मोनिका और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। कुशीनगर केसरी व केके न्यूज 24 परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सिंगरौली से आ रही जान नकली सोने को असली बताकर बेचने वाला अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह को मोरवा पुलिस ने धर दबोचा। 108 सहित 5 को पुलिस ने भेजा जेल। जिले में नकली सोने को असली बताकर कम दामों में बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का मोरवा पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन व डीओपी राजीव पाठक की सतत निगरानी में मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा गठित टीम ने आरोपियों को उस समय दबोचा जब एक व्यक्ति को ठगने के फिराक में थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को जेबी साहिब ठेकेदार के यहाँ कार्य करने वाला प्रार्थी इंद्रजीत सिंह निवासी तोरमा जिला चंद्रौली उत्तर प्रदेश जब दुधमनिया के पास रोड का कार्य कर रहा था तब रामदास साहू नामक व्यक्ति ने उसे धीरे धीरे परिचय कर बताया कि गोबरी खदान में लेबरों को कार्य के दौरान 12 सोने के बिस्किट मिले हैं, जिसमें एक लेबर को 4 बिस्किट मिले हैं। वह हर एक बिस्किट 1.5 लाख में दे रहा है। प्रार्थी आरोपी रामदास की बातों में आकर 10,000 रुपए की व्यवस्था कर उसके साथ गोबरी जंगल गया, जहां आरोपियों के अन्य साथी मिले और सोने के बिस्किट दिखाकर तसल्ली कराने लगे और उससे एडवांस रूप में 10,000 ले लिए तथा 1,30,000 और लाने की बात हुई। अगले दिन ठगी के इंतजार में बैठे आरोपियों से रेलवे स्टेशन में मिले और गोबरी के समीप जंगलों में ले गए, जहां पूरे पैसे ना होने पर प्रार्थी के पास रखे 20,000 भी ले लिया। आगे बता दें कि लालच में आकर ठगी का शिकार हुए इंद्रजीत सिंह ने मेरवा थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर मोरवा निरीक्षक द्वारा मुकदमा कायम कर आरोपियों की तलाश की जाने लगी। मुख्य आरोपी रामदास साहू निवासी पतेरी की गोबरी से अपने साथी जमुना साहू के साथ गिरफ्तार किया गया। वही अन्य आरोपी नियाबी गौंड निवासी डगा व जमालुद्दीन निवासी कसर को बरगवा से गिरफ्तार किया गया। सख्ती से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने आधा दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है, जिसमें बीते माह विंध्यनगर क्षेत्र में एक शिक्षक के साथ ठगी करना, वही बरगवान थाना क्षेत्र में भी लोगों को शिकार बनाना जैसे अपराध शामिल है। कहा जाता है कि इन आरोपियों पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज है। बैठन गदरा स्थित राम अवतार सोने की दुकान में आरोपियों द्वारा नकली सोने की सिल्ली 200 ग्राम बनवाया गया था, जिस पर उक्त सोनार को भी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से पुलिस ने नकली सोने के बिस्कुट, असली सोना, मोटरसाइकिल, मोबाइल, चाकू समेत भारी मात्रा में नकदी भी जब्त किया है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक सरनाम सिंह, सहायक उप निरीक्षक साहब लाल सिंह प्रधान, आरक्षक संतोष सिंह, अरविंद चौबे, डीएन सिंह, आरक्षक संजय परिहार, राहुल चौहान, रविदत्त पांडे, राम नरेश प्रजापति, विष्णु रावत व महिला आरक्षक जया अंजलि दुबे, ज्योति पांडे आदि अहम भूमिका में रहे। देखिए सिंगरौली मध्य प्रदेश से करुणा शर्मा की रिपोर्ट। थाना मोरवा अंतर्गत हमने एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें प्रार्थी ने आकर बताया कि गोरबी की खदान के अंतर्गत एक मजदूर ने उसे बताया कि उसे 4 से 5 बिस्किट सोने के मिले हैं, जिसे अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। प्रार्थी इस लालच में आ गया और उसने उस सोने के बिस्किट को खरीदने के लिए कुछ पैसे लेकर जंगल की तरफ गया। जंगल में 5 लोग उसे मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये जो गोल्ड की बिस्किट है उसका थोड़ा सा पार्ट काट कर उसे देते हैं, जिसकी तस्दीक कराने वो सुनार के पास जाता है और सुनार उसे कंफर्म करके बताता है कि हाँ ये सोना ही है। चूंकि वो इस कलाबाजी के साथ काटते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है कि गोल्ड का ओरिजिनल टुकड़ा उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ था। इसके बाद वो उससे और पैसे मांगते हैं और जंगल में जब वो 30,000 रुपये लेकर जाता है तो उससे वो पैसे छुड़ा लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे सामने आ रही थी और यूपी के संबंधित जिलों में भी हमारी बात हुई, वहां पर भी ऐसी चर्चाएं हमारे सामने आ रही थी, जिसकी तलाश हमारी टीम सरगर्मी से कर रही थी। इस ठगी गिरोह के 5 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया है और उस सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने ये पीतल की जो सिल्ली है उसको बनाने का कार्य किया था। इसमें मोरवा थाने के प्रभारी मनीष त्रिपाठी, साहबलाल सिंह, सरनाम सिंह, संजय परिहार, संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, ज्योति, जया और दुबे जी का विशेष योगदान है।
और इस तरह की कार्रवाइयाँ आगामी रूप से चलती रहेंगी। धन्यवाद।